हुआ वो इसलिए प्रिवेंटली एक्शन नहीं था, पार्टिसिपेट के लिए हम लोग ने किया कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, जैसे कि आज हमने देखा है कि आर्ट इंटर स्किल का दिशा सेंटर है जो बेसिकली स्कूल का स्कूल का एक्सटेंशन है, इसमें हुआ है तो इसमें बहुत सारे लोग जो है स्टूडेंट थे जो पढ़ रहे थे वो फंस गए हैं, तो उनको हम कैसे रेस्क्यू करते हैं। और ये बेसिकली डिपार्टमेंटल एक्सरसाइज था जिसमें हम लोगों ने हेल्प लिया था, फायर ब्रिगेड का हमने हेल्प लिया था, हॉस्पिटल का और हमारे सिविल डिफेंस को जो टीम है तो उन लोगों ने यहाँ पे सभी लोग आए और सभी लोगों ने अपना अपना जो उनका पार्ट था ये ड्रिल था, लेकिन रियल टाइम में जब होता है तो ये ड्रिल हमें काम आता है ताकि हम अच्छी तरह से जैसे हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट कर सकें जब एक्चुअल इंसिडेंट होगा। और ये एक अवेयरनेस टाइप का एक्टिविटी भी है जिसमें हमने स्कूल के बच्चों को इन्वॉल्व किया, उनको बोला कि डिजास्टर कैसे होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट कौन कौन सा काम करते हैं, किस तरह का रेस्क्यू इक्विपमेंट हमारे पास है, किस तरह से हम रेस्क्यू करते हैं, फायरमैन लिफ्ट से रेस्क्यू करते हैं, ऊपर से लैडर कैसे रेस्क्यू करते हैं, कौन से डिपार्टमेंट क्या क्या तरीके से उनको रेस्क्यू करते हैं, ये सब हमने उनको दिखाया। तो ये प्रिपरेटरी एक्टिविटी था, ये अवेयरनेस जनरेशन का एक्टिविटी था जो बेसिकली हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट और सिविल डिफेंस सेक्शन है उसका कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस में रखने के लिए किया जा रहा है एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ दी डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो आगे भी हम ये एक्सरसाइज करते रहेंगे और आगे हम जो प्लान कर रहे हैं वो ये कम्युनिटी का जो कम्युनिटी के रिसोर्स है जो पर्सनल है तो उनको भी हम साथ में लें, उनका कैपेबिलिटी इंक्रीज करें ताकि वो भी डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे टीम है जो वेरियस डिपार्टमेंट से आए वो भी खुद इस टीम का पार्ट होकर काम कर सकें।